गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो टाइम जो हो रहा है वो 11:17 हो रहे हैं अभी, और मैं साहिल के रूम पे आया हूँ। तो मैं घर जा रहा था, साहिल कल जा रहा था, तो मैंने साहिल को बोला चल आज ही चलते हैं, और इसकी धंधों में आज जाएंगे यहाँ से तिलवाड़ा तक। उसके बाद तो भाई ट्रांसपोर्ट ही जाएंगे आराम आराम से, क्योंकि तिलवाड़ा तक मेन ये है कि यहाँ से थोड़ा टाइम लगता है ना वहाँ जाने में, वहाँ पर टाइम पर पहुँच जाएंगे। आइए दोस्तों पहाड़ों से कुछ बात करते हैं, पहाड़ों से नई मुलाकात करते हैं, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू नमस्ते गरबा ब्लॉग। और अभी ये वाला रूम यहाँ पे, इसको तो बहुत कॉस्टली पड़ा है ये रूम, 2000 का पड़ा है। कितना छोटा सा रूम है, लेकिन 2000 का रेंट बहुत ज़्यादा है कॉलेज की वजह से। और पता नहीं यहाँ के लोगों का क्या ही सिस्टम रहता है, कॉलेज की वजह से रूम इतने महंगे कर देते हैं कि भाई क्या ही बोले। मतलब रूम लेना बिल्कुल यहाँ पर डर लगता है, रूम ढूंढना मतलब यहाँ पर एक चुनौती भरा काम है, जैसे कि मतलब मान सकते हैं बहुत चुनौती भरा काम है, बहुत बड़ा। उसके बाद तो आराम से घर जाने के लिए ठीक हो जाएगा, बिल्कुल टाइम हो जाएगा। तो साहिल अभी अपनी पैकिंग कर रहा है और मैं ऑलरेडी पैकिंग करके आ चुका था। तो साहिल की गाड़ी तो ये है, तो अभी मैं जूते पहन लेता हूँ सबसे पहले। और जूतों की तो हालत अभी से ऐसी हो गई है जैसे कि बिल्कुल आगे से काले काले हो गए हैं, मिट्टी पड़ पड़ गई। दूसरी बात, बाहर जो मौसम हो रखा है वो बारिश का हो रखा है, बारिश लगी हुई है, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है बारिश की। आज तो लगता है भीग भीग के जाने वाले हैं तिलवाड़ा तक। उसके बाद तो ठीक है, पहुँच जाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाड़ी तैयार हो गई, बैग रख लिया, सब कुछ रख लिया, एक चीज़ छूट गई तो भी। घर जाना ना, मैं पर्स बोलू आंटी जी ऊपर से बोल रही, बता दिया चलो ठीक रहता है, बताया हुआ। अभी हम श्रीकोट पे पहुंच रहे हैं और हमें ट्रैफिक के बीच में चलना पड़ रहा है, तो मज़ा तो काफ़ी आता है ऐसे मौसम में। ऊपर मौसम इतना ज़बरदस्त हो रखा है कि क्या ही बोले, और आगे से उतना तगड़ा ट्रैफिक भी है, रुक रुक के चलना पड़ता है ऐसे में, बिल्कुल मज़ा नहीं आता है यार। ट्रैवल अगर करना है तो बिल्कुल रोड खाली होनी चाहिए, फिर मज़ा आता है। तो मुझे लग रहा है ये ट्रैफिक जो है नीचे 82 साइड का है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ एक साथ आ रही है और आगे वाली गाड़ियाँ भी आ रही हैं, तो लग रहा है कि क्या कहते हैं उसे, ये चिरोपगढ़ वाला साइड थोड़ा वहाँ पे कुछ दिक्कत होगी तभी मतलब ऐसे ट्रैफिक एक साथ आ रहा है, वरना इतना चांस होता नहीं है यहाँ पे ऐसा ट्रैफिक हो। और भाई बस बूस भी होनी भाई, मैं लोग टूट रहे हो, हाँ बस बूस भी आ रही है, तो लग तो रहा है चिरोपगढ़ टूटा हुआ रहा होगा पक्का कन्फर्म। बस होनी रुक, ये देखो सारी बसें अब आ रही हैं, ये बसें वरना सुबह टाइम पे निकल जाती हैं तो अब आ रही हैं, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि टूटा हुआ हो सकता है अभी, तो देखेंगे यार कैसा रहता है रास्ता। तो जैसे कि मैंने बोला था यहीं पे जाम लगा होगा, और अभी हम सिरों पकड़ रहे हैं, तो रोड की हालत थोड़ा बुरे हैं, लेकिन चलो फिर भी और दिनों से तो थोड़ा ठीक ही है, ज़्यादा तो है नहीं। पर यह है कि अब यहाँ पे ऐसा कर दिया है, एक बार में एक ही साइड की गाड़ी आएगी, एक बार में एक ही साइड की गाड़ी जाएगी, तो यहीं पे वो ट्रैफिक जाम लग रहा था जिस वजह से जो है वहाँ पे बसें लगातार आती जा रही थी ना, मैंने पहले ही बोला था कि वो जाम यहाँ पे लग रहा होगा। रोड की हालत तो बहुत ही गंदे हैं, बहुत गंदे। ऐसा फिर भी जो युवा उमाट गया था तो तैयार अड़िया नहीं मैं, जो मैंने बोला कि ये वाली जो मिट्टी है ना जो यहाँ पे हो रखी है ये उतनी फिसलन वाली मिट्टी नहीं है, और जो हमारे ऊपर गांव साइड होती है ना अगर वो वाली मिट्टी अगर रोड पे आ जाए ना बहुत फिसलन होती है, और इनको तो अलग ही देर हो रही है। ये जो आ रहे हैं ना ये देखो HR 30, इनको अलग ही देर हो रही है, फिर मोड़ पर ओवरटेक करेंगे, ये देखो निकल गया फिर भाई क्या बोले। अब खाकरा से थोड़ा सा आगे पहुंच गए हैं और यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए, मेरे साथ साहिल है, तो गाड़ी पीछे खड़ी हो रखी है और भाई जी चाय बना रहे हैं, तो चाय का वेट करते हैं क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है ना साहिल, मौसम ठंडा है ना, बारिश हो रही है, तो हमने सोचा कि चाय पीते हैं और यहाँ पे रोड है आराम से, तो बैठ के आराम से चाय पियेंगे, यहाँ पर चाय का मजा लेंगे। भाई जी चाय बना रहे हैं, गरम गरम चाय पियो, चाय पियो और शरीर का आनंद लो, शरीर में गर्मी गर्मी लाओ। चाय तो बन चुकी है, अब चाय पीते हैं थोड़ा सा और उसके बाद फिर निकलते हैं अपने रास्ते पे।
ये लो अभी तक तो बिल्कुल मस्त आ रहे थे एकदम फर्स्ट क्लास से, और यहाँ पे फिर से फंस गए जाम में। बहुत बड़ा जाम लगा है इस बार तो। जैसे गाड़ी निकल रही वैसे निकल जाएंगे हम। टाइम से गाड़ी मिल गई थी और अभी अगरसोली पे पहुंच गया हूँ, तो यहाँ से अभी चंद्रपुरी के लिए गाड़ी ढूंढनी है, उसके बाद चंद्रपुरी निकल रहा। तो गाड़ियाँ तो यहाँ पे लगती है चंद्रपुरी के लिए, और यहाँ पे ये वाली गाड़ी चंद्रपुरी के लिए लगी होगी, इसी पे चलते हैं। सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा, एक भी गाड़ी नहीं है, सारी गाड़ी चली गई है। और यहाँ पर अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक कोई अदर गाड़ी नहीं आती है। यार वेट का सीट बहुत बेकार लगता है मुझे, एक भी गाड़ी नहीं है, कोई पहचान वाला ही मिल जाए, मिट्टी दे दे कोई। चंद्रपुरी तो पहुंच गया और अब जो है गाड़ी ढूंढनी है। तो गाड़ी पहले यहाँ पे लगती थी यहाँ पीछे, तो अब गाड़ी आगे लगती है। सबसे पहले आगे जाके ना गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी, तो देखते हैं कि गांव के लिए कौन सी गाड़ी लगी है। गाड़ी यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाड़ी की। और क्या हाल है? तो गाड़ी ढूंढते हैं फिर घर निकलना टाइम से। लिफ्ट वगैरह मांग के किसी ना किसी तरीके से घर तो पहुंच गया हूँ, लेकिन जो है मौसम वो काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है बारिश आने के चांसेस ज़्यादा बने हुए हैं। और गांव के ऊपर हूँ और गांव ये नीचे है, अब आधा किलोमीटर पैदल जाना है बस, फिर गांव में पहुँच जाऊँगा आराम। और दिक्कत जो ये होती है कि इस सफ़र में ना थकान बहुत लगती है। एक तो मतलब रोड तो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन कहीं कहीं पे होता है ना कि रोड ख़राब रहती है, खड्डे वगैरह रहते हैं, तो थोड़ा दिक्कत तो हो जाती है ऐसे ट्रैवल करने में। पर सफ़र तो अच्छा रहता है, गाँव आने की खुशी तो अलग ही मिलती है। तो सबसे पहले घर में चलते हैं, फिर देखते हैं कि मम्मी का तो मुझे फ़ोन पहले ही आ गया था कि मैं खेत में जा रखी हूँ और खाना खोना मैंने बनाया नहीं है तेरे लिए, तो तू खाना खा के आ जाना। तो अभी तक तो मैंने खाना खाया नहीं क्योंकि उतना टाइम भी लगा नहीं, और बैंक में जाने का टाइम तो बिल्कुल नहीं लगा क्योंकि पैसे निकाल लेते, तो टाइम बिल्कुल लगा नहीं। तो मैंने कहा यार चलो घर चलते हैं, देखेंगे घर में तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ खाने को। तो सबसे बड़ी बात यह है सबसे पहले टाइम पर घर चलते हैं, थकान बहुत ज़्यादा लग गया, मेरी आँखों तो पूरी मिट्टी मिट्टी होगी क्योंकि श्रीनगर से तिलवाड़ा तक स्कूटी में आया, उसके बाद वहाँ से चंद्रपुरी गाड़ी में आया ट्रैवल में ट्रांसपोर्ट में, और उसके बाद वहाँ से फिर से बाइक में आया।